एक दिन कौवा भोजन के लिए ढूंढ रहा था तो उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। कौवा बहुत ही खुशी से उस रोटी को अपने चोंच में पकड़ एक पेड़ पर जा बैठा। चोंच में रोटी लिए पेड़ पर बैठे कौवे को वाहन से जा रहा एक लोमड़ी ने देखा। उसने फौरन उस रोटी को छीनना चाहा। कैसे छीने, कौवा तो पेड़ पर बैठा है, लोमड़ी को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। रोटी को छीनने के लिए बहुत ही सोच रहा था। पेड़ के नीचे ठहर कर कौवे से बात करने लगा। अरे कौवा भैया, आज तुम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत चमक रहे हो, लोमड़ी ने कहा। प्रशंसा सुनकर कौवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह विषय लोमड़ी ने पहचान लिया और प्रशंसा करने लगा। वो चमकदार आंखें, सीधी सी चोंच, तुम्हारे विशाल पंख, हाँ, तुम्हें ऐसे ही देखने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारा शरीर ही इतना सुंदर है तो तुम्हारी आवाज, हाँ, पता नहीं कितना सुंदर रहेगा। एक बार तुम्हारा मधुर स्वर सुनने के लिए तरस रहा हूँ, गाओ ना, कहते हुए उसको रिझाया। प्रशंसा से अत्यंत प्रसन्न हुआ कौवे ने काव 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 बोल के गाना गाने लगा। गाने के लिए मुंह खोलते ही रोटी नीचे गिर गया। फौरन लोमड़ी ने उस रोटी को मुंह में लगाए वहाँ से 9-2-11 हो गया। कौवे को तब जाकर समझ आया कि लोमड़ी ने सिर्फ रोटी के लिए ही उसकी प्रशंसा की। इसलिए कहते हैं, प्रशंसा करने वालों पे कभी भरोसा नहीं करना।